गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल आशा ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट मैं हूं सीमा। आज मैं आप लोग के लिए एक लेकर के आ गई हूं रेमेडी जिसमें मैं आपको लाइव रिजल्ट यहां पर दिखाने वाली हूं। बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अभी आप देख सकते हो मैंने अभी शावर नहीं लिया है, बात नहीं लिया, ठीक है। मुझे भी जाना है शावर लेने के लिए। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में एक अच्छा सा स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ और साथ में आप लोगों को एक रेमेडी शेयर कर देती हूँ जिससे कि आपके फेस पे अनइवन स्किन और अगर झाइयों की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है। आप सोच सकते हो मैं रात में सोती कितने बजे, कम से कम 3-4 मुझे बज जाते हैं आराम से सोने में। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ में ये वाली चिटचैट टाइप की वीडियो शेयर कर देती हूँ और साथ में स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ। मेरी फेशियल कॉफी फेशियल बहुत ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है ना कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर दो, उसको हफ्ते में एक बार करो, महीने में 4 बार आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। 4 तारीख का आपका करवा चौथ है और उसके बाद से फेस्टिवल्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप करो, आपको इंस्टेंट निखार मिलेगा, आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये, मेरी जो क्रीम है, एक तो ब्राइडल क्रीम है वो यूज कीजिए, होममेड ब्लीच शेयर करी है मैंने वो यूज कीजिए। दूसरी मेरी एक और मैंने मसूर दाल के साथ में क्रीम शेयर करी है और आपका टोनर शेयर किया है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप देख सकते हो मेरी हेयर लाइन भी कितनी अच्छी हो गई है, पतली सी हो गई है, ब्रेड बना रखी है अपनी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में ये चीज शेयर कर देती हूँ और आप लोग यूज कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे, उसके बाद में दिखाती हूँ आप लोग को उसका लाइव रिजल्ट। और अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इस हाथ पे अप्लाई किया था इस वाली क्रीम को जो कि आप वीडियो में अभी देखोगे, ठीक है, और इस वाली हैंड पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी अप्लाई करके, ठीक है। सो गाइस चलिए देख लेते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है लेमन, ठीक है, उसके बाद से हम इस लेमन को कट करके इसका जूस निकालेंगे, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और जो इसकी जो सीड्स हैं उसको आप अलग कर लीजिएगा और इसके बाद से आप यहाँ पर स्पून का ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बहुत जल्दी काम रहता है तो मैं मॉर्निंग में ये चीज़ें अक्सर करके फिर नहाने जाती हूँ, पूरी ऑल ओवर बॉडी पर अप्लाई करती हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं इस तरीके से काम करती हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 2 चम्मच डालना है। आपको मैंने ये इतना बनाकर दिखाया है रेसिपी में कि आपको पता रहे कि आपको कितना बनाना है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाला है और आपका 1 टेबल स्पून के करीब आपका लेमन जूस है, ठीक है। ये इतना आपके फेस के लिए इनफ है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ ओलिविया का आपका एक्टिवेटर जो हमारे ब्लीच में आता है। आप ओलिविया का ही लेना और अदर मत लेना, और अगर आप लेना चाहते हो तो पिंक वाला जो फेम का आता है वो ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, ये आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको आपके फेस पे हीट लगेगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, ठीक है। आपके फेस पे जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपके फेस पे थोड़ी सी आपको हीट लगेगी, गर्माहट लगेगी, ठीक है। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको नहीं यूज़ करना है, ठीक है, वो केवल लेमन और दही यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन दिखा रही हूँ उसका करके, है ना, हैंड पे, और आपका इसका रिजल्ट देखना है, इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट आता है। मेरे को टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग में, इसलिए मैं फटाफट से अपना सारा काम करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पर हैंड पे करके दिखा रही हूँ और अभी मैं आप लोग को फेस पे भी दिखाऊंगी। आप इसको बनाकर 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, है ना, उसके बाद यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पर एट ए टाइम बनाकर लगाकर दिखा रही हूँ, फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एट ए टाइम इसको बनाकर लगाते हो ना तो भी आपको बहुत ही अच्छे और मस्त वाले रिजल्ट मिलते हैं जो कि आप इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो लगाने के बाद, ठीक है। अगर आपको कहीं शादी में जाना है तो आप 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट कर दीजिए, हर रोज़ लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, एक लेमन का छिलका लेना है, जो लेमन हमने स्क्वीज करके इसमें डाला था उसका छिलका लेना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, उसी से रगड़ना है। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ मैंने इसको रगड़ना रब करना स्टार्ट किया है वहाँ की जो स्किन है वो बिल्कुल अलग होती जा रही है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो खुद दिख रहा है कि मतलब वो स्किन से जो डेड स्किन है, जो डस्टिंग है, जो भी चीज़ गंदगी वाली चीज़ है वो सारी इम्प्योर हो रही है, निकल रही है, साफ़ हो रही है, क्लीन हो रही है। अगर आप अपने घर में काम करते हो, बर्तन करते हो, कुछ भी करते हो, आप रोज़ हाथ धोते हो, रोज़ क्लीन करते हो, बस इस तरीके से अगर आप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। नेल आप लंबे कीजिए अपने दोनों हाथों का, अगर आप अपने बॉडी में और अपने स्किन में हर एक चीज़ में आप चेंजेस चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो रिजल्ट, इसको वॉश करने के बाद से भी आप रिजल्ट देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फेस टू फेस बात करते हो, फेस पे एप्लीकेशन दिखाती हूँ।
सो गाइस सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो मैंने कहा आप लोग के साथ में सारी चीजें शेयर कर रही हूँ, तो ये भी चीजें अच्छे से कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये रोज वाटर मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है और ये घर का है, रोज पेटल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला हुआ है। कौन सा कलर डाला है? हमारे पास जो बीट रूट होता है ना, बीट रूट का पाउडर, वो मैंने साथ में इसको बॉइल किया था और कॉटन के कपड़े से इसको मैंने स्टेन किया है, तो ये इसलिए आपको बिल्कुल इस टाइप का दिख रहा है कलर टाइप। तो इसको यूज करने का आप लोग के सामने एक यही चीज मैं शो करना चाहती हूँ, जो हमारी रेमेडी, देखो ये तो बनके रेडी है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये बनके रेडी है हमारी। और ये जो मैंने स्प्रे अपने फेस पे लगाया है, इसको लगाने का आप लोग के सामने ये चीज है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये टिश्यू पेपर है मेरा और इसमें बिल्कुल ये क्लीन है, ठीक है। मैं आपको अपना फेस क्लीन करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, ये काजल है, ठीक है। और देखो आप घर की चीज यूज करते हो ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपकी एज कितनी भी हो जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इतनी सारी गंदगी निकली है मेरे फेस से क्लीन करने के बाद से, मॉर्निंग में सीटीएम करने के बाद से ये गंदगी निकली है। और उसके बाद से मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में उठ के केवल झाड़ू लगाया है और पोछा लगाया है, ठीक है, बस। तो इसीलिए आप लोग को सबसे पहले अपने फेस पे कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले क्लीन जरूर करना है। आईब्रो की ग्रोथ देखो, चलो अब इसको लगा के दिखाते हैं मैं आप लोगों को। आप इसको रोज भी यूज कर सकते हो, डेली वेस पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। मसाज करके हमें इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैंने जो आप लोगों से 10 मिनट बाद, सो गाइस 10 मिनट बाद मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो फेस पे कितना अच्छा लगता है, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और इसको आपको हल्के हाथों से मसाज करनी होती है, ज्यादा तेज से मसाज नहीं करनी होती है। और इसमें मैंने आपका जो एक्टिवेटर डाला है आप उसको थोड़ा सा डालिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको ये यूज नहीं करना है। जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, वो यूज कर सकते हैं, बट जिनको पिंपल होता है वो ये बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। उनको अगर यूज करना है तो वो इसमें लेमन डाल सकते हैं और थोड़ी सी वाइट आपकी जो क्ले पाउडर होता है वो यूज कर सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा आपका वाइल्ड टर्मरिक, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्टिवेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जिनके फेस पे पिंपल है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर दी हूँ, आप रिजल्ट भी देख सकते हो। और फेस पे आपको बस कुछ नहीं लगाना है, फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है पानी से, उसके बाद से आप अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपको नहाना है आप नहा लीजिए, बात लेनी है बात ले लीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए। उसके बाद आप सिंपल अपने जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो उससे आप मेकअप कीजिएगा। उसके बाद जैसे आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आपको टोनर अप्लाई करना है, वो जरूरी है, ठीक है। थोड़ी सी आपको आपके फेस पे हीट लगेगी, आप इसको ज्यादा रगड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर हम ज्यादा रगड़ेंगे तो एक्टिवेटर हमारे फेस पे जाकर के इफेक्ट करेगा और हमारे फेस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लगाकर छोड़ भी दो, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।